Hello guys, I am Vishal and in this video I am going to talk a topic from building services, that is hardness of water. So guys, अगर पानी में calcium, magnesium, sulphate या फिर chloride present हो तो इन्हीं के चलते hardness of water होती है. And there are basically two types of hardness, permanent and temporary hardness. ठीक है, तो Clark process use करते हैं हम temporary hardness को find out करने के लिए. And to find out the permanent hardness we use several methods such as आयन एक्सचेंज मेथड, देन रिवर्स ऑस्मोसिस, जियोलाइट्स, वाटर हायसिंथ या प्लांट, इसको भी यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है कैल्शियम और मैग्नीशियम को एंड बाहर जो आता है सॉफ्ट वाटर आता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है. तो ये सब कुछ प्रोसेस है. एंड टेम्प्रेरी हार्डनेस को रिमूव करने की क्लार्क प्रोसेस से रिमूव करते हैं. क्लार्क प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द टेम्प्रेरी हार्डनेस बाय मिक्सिंग लाइम वाटर. ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग वी मेजर द TDS इज नथिंग बट टोटल डिजॉल्व सॉलिड. ठीक है, सो जो मेजरमेंट होती है हार्ड वाटर की वो TDS होती है, TDS कहते हैं उसको. तो आपने देखा होगा जब हमारे RO को सर्विस करने आते हैं तो वो लोग एक थर्मोमीटर टाइप की कुछ निकालते हैं मशीन, एंड देन दोज गाइज यूज टू मेजर द वाटर, वो पानी कैसे डुबोते हैं, एंड देन वी गेट द रीडिंग, दैट इज कॉल्ड TDS. ठीक है, एंड द यूनिट ऑफ मेजरिंग द हार्डनेस ऑफ वाटर इज PPM ऑफ CaCO3, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज द यूनिट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. ठीक है, दूसरा अगर गाइज वाटर ना जब हमने मेजर की वाटर की TDS, तो अगर 0 to 60 आ रही है देन दैट वाटर इज सॉफ्ट वाटर, एंड अगर 60 से एबव है तो इट कम्स अंडर हार्ड वाटर. ठीक है, बट हमने नोटिस किया कि आपने भी किया होगा बिस्लेरी वाटर जो होती है, ये लोग अपने वाटर को 20 TDS तक गिरा कर देते हैं. दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, दैट वाटर इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. ठीक है, उसके बाद गाइज इस टॉपिक पर मैं एक जो न्यूमेरिकल है, इस हार्डनेस ऑफ वाटर जो टॉपिक है इसके अंदर न्यूमेरिकल आती हैं टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ पाइप और चैनल. ठीक है, तो व्हेन आई से वेलोसिटी आप लोगों को दो फॉर्मूले या इक्वेशन याद रखने, नाम याद रख लो पहले. तो फर्स्ट इज़ द हेजेंस विलियम इक्वेशन. ठीक है, ये देखो हेजन विलियम इक्वेशन, और दूसरा मैनिंग इक्वेशन. ठीक है, हेजन विलियम क्या होती है ना कि क्लोज्ड चैनल हेजन विलियम याद रखो, एंड मैनिंग से ओपन चैनल याद रखो. ठीक है, तो अगर कोई वाटर ओपन चैनल में फ्लो हो रहा है तो मैनिंग इक्वेशन से निकालेंगे वेलोसिटी उस वाटर की, एंड अगर कोई क्लोज्ड चैनल में फ्लो हो रही है तो वी विल फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ रनिंग वाटर फ्रॉम हेजेंस विलियम इक्वेशन. एंड गाइस क्लोज्ड चैनल अक्सर सर्कुलर फॉर्म में ही होता है, सर्कुलर टनल या कैनाल होते हैं उसमें ही फ्लो हो रही होती है वाटर, एंड अगर रेक्टेंगुलर शेप में ओपन फ्लो हो रही होती है, हमने प्रैक्टिकली भी देखा है हम लोगों ने कि जो ओपन होती है रेक्टेंगुलर शेप में वो ओपन एंड सर्कुलर इज CC, याद रख लो क्लोज्ड और सर्कुलर. तो इससे कैलकुलेट करते हैं. अच्छा, उससे पहले ये छूट गया गाइस, जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है वो एक्चुअली में कुछ नहीं बट एक लीटर पानी में जितना इक्विवेलेंट वेट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, दैट इज़ ओनली हार्डनेस ऑफ वाटर. ये इक्वेशन देखो, हार्डनेस ऑफ वाटर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ये 3 यहाँ पे होगी, माई मिस्टेक. सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन में 1 लीटर ऑफ वाटर. ठीक है, दिस इज हार्डनेस ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, ओके, सो हेजेंस विलियम इक्वेशन से शुरू करते हैं. हेजन विलियम इक्वेशन वेलोसिटी निकालना है. सो इसकी जो फार्मूला है इसको याद कर लो, 0.849 इंटू सी, सी इज़ द रफनेस कोफिशियंट ऑफ वाटर, एंड आर इंटू एस इंटू सी इंटू आर रेज टू द पावर 0.63 इंटू एस रेज टू द पावर 0.54. सी इज़ द कोफिशियंट रफनेस ऑफ वाटर, R is the that radius, hydraulic radius, and S is the slope of water pipeline. ठीक है, this is the S. ठीक है, water pipeline की क्या slope है ये देखो, S is the slope of water pipeline per unit length. हर एक length में, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक length कुछ भी ले लो, unit meter, meter कुछ भी, so इतने दूर तक की क्या slope है, okay, per unit length. And V is the velocity जो कि हमें calculate करना है. आर जो सी तो कोफिशियंट है, इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन ऑल द टाइम, एंड आर जो है गाइज ये क्वेश्चन में दी है तो बहुत बढ़िया, नहीं दी है तो वी हैव टू कैलकुलेट आर विद दिस फार्मूला.
आर इज़ द नेट एरिया अपॉन में नेट पेरीमीटर, ठीक है। सो अब इसमें दो आ जाती है, एक तो मैंने बताया कि जो ये है देखो हेजन वाली क्लोज चैनल के लिए करते हैं, एंड क्लोज चैनल सर्कुलर सर्कुलर होती है अक्सर, मतलब इस टाइप की होती है। तो अगर इसमें वेलोसिटी पूछ रहे हैं लोग, तो वेलोसिटी के लिए तो ये फार्मूला डालो, इसमें वैल्यूज पुट करो एंड वी विल गेट द वेलोसिटी। अगर आर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो वी विल पुट एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर एंड अपॉन में पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr, ठीक है। सो इससे आर मिल जाएगी हमें एंड वी विल गेट हेजन विलियम का क्लोज चैनल फ्लो के लिए वेलोसिटी ऑफ वाटर। इसके बाद सेकंड है मीनिंग्स ओ मैनिंग्स इक्वेशन, जिसमें वेलोसिटी निकालने के लिए ये इक्वेशन है, वी इज इक्वल टू वन अपॉन सी इन टू आर रेस टू द पावर 2/3 और इन टू एस रेस टू द पावर 1/2। इनकी वैल्यूज सेम है, सी तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा रफनेस कोफिशियंट ऑफ वाटर, आर नहीं दिया है तो कैलकुलेट करेंगे, और एस जो स्लोप है वाटर पाइप की पर यूनिट लेंथ, ठीक है, दैट इज़ एस। तो इसमें ना अब देखो क्लोज के लिए मैनिंग्स ओपन के लिए यूज़ होती है, राइट, सी दिस ओपन के लिए मैनिंग्स, और ओपन अक्सर मैंने देखो इसमें बताया कि जो ओपन चैनल होती है वो रेक्टेंगुलर शेप की है, और ऊपर इसके ऊपर जो है यहाँ पे तो कुछ नहीं है गाइस, दिस एरिया इज़ ओपन, ठीक है, रेक्टेंगुलर है, और यहाँ से वाटर फ्लो हो रही होती है। तो इसमें वेलोसिटी अगर सिर्फ पूछते हैं मैनिंग्स में, तो इसमें वैल्यूज पुट करो एंड विल गेट द वेलोसिटी। इफ़ आर इज़ नॉट गिवन वी विल कैलकुलेट द आर, सिंपली नेट नेट एरिया अपॉन नेट पेरीमीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, डालो वैल्यूज, एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी, राइट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ये वाला 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 2 एल प्लस 2 बी, ठीक है, पढ़ा है हमने अपने स्कूल क्लासेस में भी, ठीक है, 2l प्लस बी। बट गाइज हमने यहाँ पे 2l प्लस बी लेना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी ले लिया हमने, क्यों ली 2l प्लस बी, देखो इस फिगर में देखो ऊपर ओपन है तो इस एरिया को एक्सक्लूड कर दिया हमने, इसलिए सिर्फ 2l प्लस बी ले लिया, ठीक है। और इस तरह r मिल गया हमें, उस r के वैल्यू को हम पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में ओपन चैनल मैनिंग्स के लिए, एंड वी विल गेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ओपन चैनल, ठीक है। ये हो गए दो इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है, और इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी है वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड कुछ नहीं होती गाइस, ये जो वाटर पाइप है, ठीक है, इसमें वाटर, ये वाटर फिल्ड है एंड दिस इज़ द मोटर। सो टेंडेंसी ऑफ दिस मोटर, और कैपेसिटी कह लो, कैपेसिटी ऑफ दिस मोटर टू एट, मतलब कि कैपेसिटी ऑफ दिस मोटर टिल वॉट हाइट इट कैन ब्लो द वाटर, ठीक है, ये मोटर जो है ये कितने हाइट तक वाटर को पंप कर सकती है, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी हेड। तो यहाँ पे हाइट की बात हो रही है ना, कि यहाँ से कितने ऊपर तक ब्लो किया इस पंप ने, मोटर ने वाटर को। सो वी विल कैलकुलेट द हाइट इन वेलोसिटी हेड, सो एच, ओके, एच कैसे निकालेंगे, वी बाई 2g, ये आई इनडायरेक्टली यहाँ से देख लो, के ई इज इक्वल टू पी ई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। 12th क्लास में हमने पढ़ा था गाइस कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वाइल पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच, एम इज मास इनटू वेलोसिटी, सो हाफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, एच इज हाइट, जी इज ग्रेविटी एंड एम इज मास, ठीक है। जी का वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए, या तो क्वेश्चन में दी होगी, नहीं दी है तो याद कर लो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 12th क्लास में हमने पढ़ा था फिजिक्स में, याद हो अगर आपको तो। सो इससे mm कैंसिल हो गया गाइस, तो बच जाता है वी अपॉन वी बाय टू अपॉन वी बाय टू इज इक्वल टू जी, और h बच गया, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, गलत है। सो वी बाय टू इज इक्वल टू जी एच, और इससे v मिल जाता है कि सॉरी h मिल जाता है, h इज इक्वल टू जी आ चली गई, सो v बाय टू जी, ठीक है। सो h निकाल लेते हैं, वेलोसिटी हेड ये हो गया। देन देर इज़ अ दिस टर्मिनोलॉजी कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंट फ्लो। दिस इज़ नथिंग बट जैसे कि मान लो वाटर पाइप्स हैं, एक से ज़्यादा पाइप है, मान लो कि पाइप वन की एरिया डिफरेंट है, पाइप टू की एरिया डिफरेंट है, थ्री की भी डिफरेंट है, तीनों में वेलोसिटी जो वाटर फ्लो हो रही है वो अलग अलग वेलोसिटी से हो रही है। सो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंट फ्लो है, याद रखो कि एरिया वन यानी एरिया ऑफ पाइप वन
into a velocity of pipe 1 will be equal to area of pipe 2 into velocity of pipe 2 will be equal to a3 v3, ठीक है, एंड सो ऑन, जितने नंबर ऑफ पाइप्स हैं उनकी वेलोसिटी वाटर की. सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंट फ्लो. ये इस टॉपिक से, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंट फ्लो से क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी एग्जाम में. सो ये याद रखो आप लोग. ओके, सो इसके बाद मुझे दो टॉपिक और है याद, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ. सॉरी. सो एक तो है वाटर हैमर, ठीक है. वाटर हैमर क्या होती है कि फिगर से समझो, देर इज़ अ वाटर पाइप लेट्स से. सो इसमें वाटर फ्लो हो रही है, ठीक है. एंड लेट्स से कि हमने कोई बैरियर दे दिया यहाँ पे ऐसे, तो दिस बैरियर विल डेफिनेटली स्टॉप द वाटर. एंड वाटर की टेंडेंसी ये होगी, इस बैरियर को ये हैमर की तरह एक्ट करेगा. वाटर की टेंडेंसी हैमर की तरह होगी, नाम से देख लो वाटर हैमर है. और देन टेंडेंसी ये होगी कि पाइप विल ब्रस्ट एंड वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग आउटवर्ड्स. सो दिस इज ये वाटर हैमर, मतलब कि अचानक से पानी को रोकेंगे तो पाइप फट के और वाटर कैन कम आउट, ओके, फ्लो आउट, दैट इज़ वाटर हैमर. और दूसरी एक टर्मिनोलॉजी है जो कि एग्ज़ाम में भी आई हुई है, वर्किंग हेड, ठीक है. वर्किंग हेड क्या होता है कि मान लो ये बिल्डिंग है, ओके, एंड यहाँ पे मोटर लगी हुई है एंड पाइपलाइंस ऊपर हर फ्लोर्स पे सप्लाई जा रही है इसकी. सो मान लो छः फ्लोर्स की बिल्डिंग है, तो दैट जो सप्लाई लाइन है, जो सप्लाई है वाटर की, यानी मोटर सप्लाई के पास से जो यहाँ पे डिलीवर हो रही है, मान लो फोर्थ फ्लोर पे डिलीवर हो रही है, सो द डिफरेंस बिटवीन दिस सप्लाई एंड डिलीवरी इज कॉल्ड वर्किंग हेड, ठीक है. सो ये हो गया ओवर, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. मैंने इसमें जितने भी टॉपिक्स बताए ये सब इम्पॉर्टेंट है गाइस, तो आप लोग इसके नोट्स बना लेना बिकॉज ये बहुत काम के हैं. सो आई विल एंड विद दिस टॉपिक. थैंक यू.